गाइस, कैसे हालचाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। सो गेस व्हाट, हु गॉट कोविड? मी एंड माय हस्बैंड, दैट्स इट। ओके, सो आई एम बैक विद अ ब्यूटिफुल स्टोरी टाइम, नॉट स्टोरी टाइम। मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कोविड कैसे हो गया, मुझे कौन कौन से सिम्टम हैं और थे। Guess what guys, who got COVID? मुझे थोड़े से सिम्टम आए थे, मेरी एक लाइन भी कोविड वाली नीली हुई। और हमने डैडी को ट्रांसफर कर दिया है बेसमेंट में। और होर केड़े सिम्टम आ? यार सिम्टम मैं दो दिन औखा हुआ। एक्चुअली हमें कभी कोविड हुआ नहीं, थैंकफुली लाइक वी आर वैक्सीनेटेड, हमें पहले कभी कोविड हुआ नहीं। दो दिन तो काफी जोर रहा, दो दिन तो काफी झटका आया। क्या सिम्टम आया आपको? सिम्टम मनु बुखार सीगा, राइट। वो दो दिन रहा मुझे, काफी गला यहाँ पे दर्द होता था, लाइक इट्स नॉट सोर थ्रोट समथिंग लाइक टॉप, यहाँ पे होता था जो स्वॉलो कर देना। हाँ नहीं स्वॉलो नहीं हुआ हुई जो, हाँ व्हेन यू फील लाइक टू स्वॉलो समथिंग यू गेट हर्ट हियर। मुझे लगता है कि थायराइड या किडनीज नहीं होनी है, ग्लैंड्स, दोस वर हर्टिंग। हाँ थैंकफुली आपा वैक्सीनेटेड से मे बी लेस सिम्टम होदी वजना, राइट। डैडी स्टे अवे फ्रॉम मी, थैंक गॉड माइन वाज नेगेटिव। यू वर स्केयर्ड? यस, जस्ट सेम टू मी। बट हाउ वी गॉट द कोविड, द 100 मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज हाउ वी गॉट द कोविड इन आवर होम। Yeah, we don't know yet. Yeah, we know. You got it from Banff. Minulada puchiya hagiyan bande hone kise no the, kise kudi nu bande hone aaja aaja le aaye covid ho covid di churel na main puchiya। So aaj din hai takriban 13 ya 14 एंड अब मेरी हालत थोड़ी बेटर हो रही है, पर अभी भी मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। मेरे सर में काफ़ी बुरा दर्द है एंड मेरे गले में यहाँ पे पेन है, लाइक सोर थ्रोट जैसी है, पर सुबह सुबह ज़्यादा बुरी होती है, दिन में ठीक रहती है। और अभी मेरे नोज़ में एंड गले में काफ़ी फ्लेम भी है। सो उसके बिना मैं ठीक हूँ, पर ज़्यादातर मैं मास्क पहन के ही रखती हूँ घर में भी, स्पेशली जब मैं कुक कर रही हूँ, ताकि हिम्मत ठीक रहे। हिम्मत को भी कोल्ड एंड कफ था थोड़े दिन पहले, पर हिम्मत को कोविड नहीं था। उसका मैंने टेस्ट 3-4 बार किया, एवरी डे किया, बट ऑल द टाइम नेगेटिव आता था। पर मेरा टेस्ट अभी तक भी पॉजिटिव आ रहा है, हस्बैंड का भी। सो हस्बैंड कहीं से कोविड लेके आ गए बाहर से, जिस दिन वो अपने दोस्तों के साथ गए थे, जिस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ना कि शायद मैं भी बीमार ना हो जाऊँ। सो हस्बैंड बीमार रहे दो दिन, उसके बाद जो तीसरा दिन था तब मैं भी बीमार होगी। आज सुबह जब मैं एक्चुअली जब मैं सो रही थी रात को, सुबह मेरा नोज़ इतनी बुरी तरह कंजस्ट हो गया कि मुझे सांस नहीं आ रही थी। नोज़ में कोई भी पानी कुछ भी रनी नहीं था वो, पर यहाँ पे साइनस ऐसे प्रेशर आ गया कि जैसे यू नो स्किन इन्फेक्ट हो जाती है, जैसे साइनस में प्रेशर फील होता है ना कि इस जगह में प्रेशर है, सर में दर्द है, वैसा हो गया। और बहुत मुश्किल था, सांस नहीं ले पा रही थी मैं। पर कैसे कैसे भी मैंने उठ के हिम्मत को, मैंने अपने मास्क पहन लिया, मुझे डर लग रहा था कि मुझे शायद हो गया होगा कोविड। मैं नहीं चाहती हिम्मत को, बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत का लंच तैयार किया, ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के, और उसको मैं बस स्टॉप तक छोड़ के आई। वापस आके पूरी तरह बीमार होगी मैं, और मेरा फीवर हो गया 103, और 103 फीवर रहा मुझे अगले 3-4 दिन तक। फिर मैं एडविल खा रही थी, तब ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था। मेजर मुझे सिम्टम था कि बुखार, बहुत बुरा बुखार, एंड बॉडी में पेन शुरू हो गई, एंड बॉडी इतनी ज़्यादा मेरी स्ट्रेस में आ गई कि आर्थराइटिस की फ्लेयर भी होगी, एंड मेरी सारी 30+ जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो गया, उंगलियों में, नीज में, पैरों में, पैरों की उंगलियों में। सो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी मैं। हस्बैंड बेसमेंट में रह रहे थे और मैं अपस्टेयर, एंड हिम्मत को मैंने कहा कि तुम मेरे रूम में नहीं आ सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भी बीमार हो जाओ। सो हिम्मत अपना सो रहा, मैं अपना सो रही, हस्बैंड अपना सो रहे। तो एक दिन मैं बीमार रही, बड़ी मुश्किल से हमने हमारे घर को मैनेज किया। पर अगले दिन हस्बैंड को अच्छा फील होना शुरू हो गया, लाइक थोड़े बहुत उनको सिम्टम थे, थोड़ा सा काफ़ी या थोड़ा सा गले में दर्द, बट उनका फीवर ख़त्म हो गया था। उनको इतना ज़्यादा फीवर नहीं हुआ, 101 and 102 ही रहा उनको, पर मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। एंड जब मैं टैलोनॉल खा रही 2-4 घंटे के लिए, ठीक हो रहा, फिर हो रहा, फिर हस्बैंड ने बेचारे ने किद्दा किद्दा भी मुझे खाने के लिए चीज़ें दी,
लाइक अपने आप को आइसोलेशन में रखते हुए मास्क पहन के पूरे अपने गियर पहन के बेचारे आके मुझे फूड दे रहे, और बिकेज मुझे इतना ज़्यादा फीवर हो गया और मेरी आर्थराइटिस की फ्लेयर भी आ गई, हर कुछ मेरा दुख रहा और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई मैं, और हस्बैंड को लग रहा कि मुझे हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। पर जब मैं लाइक अपनी आर्थराइटिस की पेन किलर्स खा रही थी या फिर वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता था और सांस में मुझे सांस लेने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बट ये नोज़ ऐसे हो जाता था ना कि नोज़ से नहीं मैं सांस ले पा रही थी और कन्न मेरे बंद हो गए, कन्न में टुम 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 कुछ बजी जा रहा, वो अभी भी वैसा ही है, इतना अच्छी तरह हुआ नहीं है। सो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा बुरी एंग्जाइटी हो गई मुझे, क्योंकि टी प्लस जॉइंट पेन कर रहे हैं, बुखार है, नाक ख़राब है, गला ख़राब है। अरे दिस कोविड इज़ ना डिफरेंट है वो फ्लू से, बिल्कुल फ्लू जैसा नहीं है। स्मेल एंड टेस्ट ख़त्म हो गया, और अभी भी मुझे टेस्ट मेरा वापस नहीं आया है, ना ही मुझे स्मेल आ रही है कोई भी। सो मुझे जब एप्पल खाते हैं पता ही नहीं चल रहा एप्पल खा रही हूँ क्यों, कम्बर खा रही हूँ कि वो उनकी खुशबू ही नहीं आ रही, एंड आई डोंट नो कब सही होगा वो। हमें वेकेशन पे जाना है और मुझे काफ़ी सारा डिलिशियस फूड खाने हैं, आई डोंट नो मैं खा पाऊँगी या नहीं। वैसे तो कोविड अपने आप में ही मज़ेदार नहीं है, बहुत ही बुरा है, दूसरे फ्लू से थोड़ा डिफरेंट है। एंड एक मेरे ना बैक लाइक लोअर बैक में बहुत ज़्यादा शार्प पेन हो रही थी, वैसी पेन मैंने ना फील नहीं किया पहले, और बहुत ही अजीब किस्म की शार्प पेन एकदम से आएगी एंड फिर गुम हो जाएगी, फिर एक घंटे बाद फिर आएगी, जैसे लेबर की पेन होती है वैसी, बहुत अनकंफर्टेबल पेन थी वो। एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग लिटिल बेटर, बट अभी तक मैं ना पूरा सही फील नहीं कर रही हूँ। सो मैंने ना बहुत सारे अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स खाए, विटामिन सी की क्वांटिटी को मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, एंड विटामिन सी खाया मैंने खूब सारा, टर्मरिक एंड ऑल्सो विटामिन डी एंड जिंजर, जिंक एंड मैग्नीशियम, ये सारे ना खूब सारी क्वांटिटी में खा रही हूँ मैं। जिंक एंड मैग्नीशियम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, डी एंड सी एंड टर्मरिक मैंने काफ़ी ज़्यादा खाई, एंड मे बी उसकी वजह से अच्छा फील कर रही हूँ मैं लाइक पहले के मुकाबले। पर क्योंकि जैसे आपको पता मुझे ऑटोइम्यून कंडीशन है, तो मेरी क्रिटिकल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, नहीं हुआ है थैंक गॉड। अब मेरी जॉइंट पेन भी काफ़ी कंट्रोल में चली गई है, बट ओवरले 5-4 दिन तो इतने बुरे थे ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि जोड़ों को प्रेस करूं या बुखार को मैनेज करूं, बहुत मुश्किल था। मुझे बहुत डर लगता था कोविड होने से, कि मुझे पता था कि मेरी ना ये दोनों प्रॉब्लम मिक्स हो जाएंगी, किसी ना किसी तरह कोविड मुझ तक पहुँच ही गया, बचते बचाते 2 साल में एक बार हो ही गया हमें। कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा ना हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। एंड यस, बहुत सारा फ्लूइड पिया मैंने, एंड फाइबर की ड्रिंक्स, एंड ऑल्सो अपने आप को हाइड्रेट रखा मैंने। सो यस दोस्तों, ये है मी एंड कोविड की सिचुएशन। तो नाउ आई एम बेटर, पर अभी तक मेरा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव ही आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैं फुली रिकवर फील भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना गले में दर्द है यहाँ पे, मेरे बांध हैं, थोड़ा ऊँचा सुनना शुरू हो गया मुझे, आई थिंक थोड़े दिन में बेटर हो जाएगा, सर में दर्द है पूरे सर में। सो या धीरे धीरे हम बेटर फील करेंगे, बट या हम काफ़ी ज़्यादा बेटर नाउ। और जो भी दोस्त मुझे मैसेजेस कर रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत बहुत प्यारे हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। हस्बैंड का टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, आपने देख लिया। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम ओके, 70% आई एम ओके। सो मैं बेसमेंट से ऊपर आ रहा हूँ, आप अपना ना सारा वो खाली कर दो, ठीक है? मिला दो दोबारा बीमारो दे लक्षण आ दो दे मैं ठीक हूँ। आप तो दोबारा बीमार हो जाओगे, साडा रूम नहीं ठीक हैगा। फिर तुसी बेसमेंट जाओ पहला प्यारी, आ दे नेगेटिव ता ऊपर एंट्री मिलती है, दिखा के ऊपर प्लेन। ओके दोस्तों, आज हस्बैंड का डे 14 है और वो बना रहे अपने लिए ओट्स, एंड वो कह रहे हैं कि मैं बेसमेंट से निकलने वाला हूँ, मेरे 14 दिन पूरे हो गए हैं, पर आज हम उनका टेस्ट करते हैं। सभी का तो कोविड है, सो बेसमेंट पे रहने का लाइक अभी हमें आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है। हिम्मत नू नहीं ना, चल मिनू नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये है कोविड के एंटीजन टेस्ट जो आपको फार्मेसी से मिल जाते हैं यहाँ पे फ्री में। सो हस्बैंड का टेस्ट करेंगे कि कैसे आ रहा है। मैंने अपना 3-4 बार कर लिया है एवरीडे, क्योंकि 14-15 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक पॉजिटिव ही था। पर हस्बैंड आज मिला था
तीन दिन बाद करने वाले हैं, देखते हैं पॉजिटिव होता है या नहीं। अगर ये नेगेटिव आएगा ना तो हस्बैंड को एंट्री मिलेगी, पर हस्बैंड को मंडे मिलेगी एंट्री अपस्टेयर्स। दोनों नॉस्ट्रिल जे राउंड राउंड घुमाना, एटलीस्ट 5 सेकंड रखना अंदर। ओके ओके अब इसको समय देंगे 15 मिनट्स, एंड 15 मिनट्स में पता चलेगा क्या होने वाला है। मेरे हस्बैंड का टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, आपने देख लिया, एंड मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी फ्यूचर। बट मैं जिस दिन में मैं थोड़ा अच्छा फील करती हूँ ना, मैं अपने घर को मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने घर का सत्यानाश कर दिया है पति ने। नहीं वैसे पति ने इन्ना नहीं किया, जितना मुझे डर लगता था ना कि पति पूरा डिजास्टर कर देंगे, उन्होंने थोड़ा मैनेज करके रखा, थोड़ा थोड़ा मेंटेन ही रखा। क्योंकि मैं ऊपर बीमार बीमार भी बोल रही थी कि प्लीज़ उसको साफ़ करके रख देना, उसको मत करना, तो मुझे डर लग रहा था मेरी इतनी प्यारी क्लीन किचन है उसका डिज़ास्टर ना कर दें। और यार ठीक ही है। ओके दोस्तों, तो ये अपडेट की वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें दोस्तों, एंड कोविड से बच के रहे, और वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं। मुझे लगता है कि मेरी कंडीशन थोड़ी बेटर वैक्सीनेशन की वजह से ही रही, एंड ने ज़्यादा सीवियर नहीं हुआ मुझे कुछ भी, कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर से करा के रखें। अगर आपने आपकी वैक्सीनेशन को समय हो चुका है तो बूस्टर शॉट ले ले। मैं भी बूस्टर शॉट लेने वाली हूँ कुछ दिनों में। ओके दोस्तों, आपको कल मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बिल्कुल मत भूलें, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। सो ये वीडियो बेसिकली मेरे उन दोस्तों के लिए है जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई और ऑटोइम्यून कंडीशन है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मुझे कौन से सिम्टम आए, और उनको भी ऐसे ही आ सकते हैं या इससे कम होगा या ज़्यादा, आई डोंट नो। शायद इस वीडियो से उनकी मदद हो। सो कोशिश करें कि कोविड से बच के रहें, नहीं हो तो चंगा है। मास्क पहन के रखा करें जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं।